नमस्कार मित्रों, चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम ही होगा कि शासन द्वारा जल्दी जिले के अंदर समायोजन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। समायोजन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही संचालित की जाएगी। इस प्रक्रिया में आपका समस्त डाटा आपकी मानव क्षमता ID से डायरेक्ट ले लिया जाएगा। पूरी प्रक्रिया शुरू होने से पहले आपको सुनिश्चित हो लेना है कि पोर्टल पर आपका जो भी डाटा फीड है वह 100% सही है। यदि मानव क्षमता पोर्टल पर आपका डाटा आपकी समायोजन प्रक्रिया में ऑनलाइन करने के बाद गलत पाया जाता है, तब आपके पास उसमें सुधार करने का कोई भी अवसर नहीं होगा। इसलिए आपको मानव क्षमता पर फीड समस्त डाटा को एक बार वेरीफाई कर लेना है कि कोई डाटा छूटा तो नहीं है, गलत तो फीड नहीं है। यदि ऐसा है तो आप अपने ब्लॉक ऑफिस पर एप्लीकेशन के माध्यम से उसमें संशोधन करवा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आखिर भी कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमें अपनी सर्विस बुक पर चेक करना है कि वह सही प्रदर्शित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सबसे पहले आपको जो पॉइंट्स देखना है वो है आपके जनपद में कारोबार ग्रहण करने की तिथि, जन्मतिथि, पदनाम, सेवा संवर्ग जैसे ग्रामीण क्षेत्र या नगर क्षेत्र, आपकी वैवाहिक स्थिति, शुरुआत से लेकर अभी तक आपने जितने भी विद्यालय में आपकी नियुक्ति हुई है उन सभी विद्यालयों में आपकी कारोबार ग्रहण करने की तिथि व कार्यमुक्त ग्रहण करने की तिथि का उसमें सही अंकन है या नहीं है, आपके निवास की स्थिति, अन्य विवरण जो आपकी सर्विस से रिलेटेड है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को लॉगिन कर अपनी सर्विस बुक को डाउनलोड कर लेना है, उसमें सारी एंट्री को चेक कर लेना है और 2 दिन के भीतर अपने ब्लॉक लेवल ऑफिस पर जमा करा देनी है। यदि उसमें कोई संशोधन आपको करवाना है तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखकर उनको दे देना है। यह कार्य आप जल्द से जल्द कर लें ताकि आपकी त्रुटि समय रहते सही हो सके। मित्रों, यदि आपको सर्विस बुक डाउनलोड करने में कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।